ओम शिवो गुरु शिवो देव शिवो बंधु शरीरिणाम शिवयात्मा शिवो जीव शिवादन्यन्न किंचनम श्री गुरुभ्यो नमः। अयम सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन और प्रणाम। स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, इस भाव के साथ जीने वाले भक्त को चाहिए कि मैं नित्य भगवान शिव का पूजन करूं। समया अभाव है, पूर्ण समय नहीं दे पाते हैं, कार्य व्यवस्थाओं को देखना है, सरल तरीके से विधि से मुझे शिव का पूजन करना है, तो सरल विधान से मैं शिव का पूजन करूं तो कैसे करूं। वैसे तो प्रयास मेरा ये होना चाहिए कि मैं शिव जी की पूजा अच्छी तरह से करूं, लेकिन होता है कि कभी कभी समय अभाव निकल कर आ जाते हैं, हम नहीं पूर्ण समय दे पाते। घर में हमने एक छोटा सा शिवलिंग रखा है और होना भी घर के अंदर चाहिए, मंदिर के अंदर। जिन्होंने शिवलिंग को अपने गमले में इधर उधर ऊपर नीचे रखा है, उनसे निवेदन है कि वो पूजा मत करना, ना वो पूजा के अधिकारी है। यदि आप शिवलिंग को गमले में रखने वाले हैं तो मुझे क्षमा कीजिएगा, आप किसी भी रूप से भगवान शिव को अपना नहीं मानते। ये पूजन का विधान सरलतम रूप से चार रूपों में मैं ये पूजन का विधान बता रहा हूं, और ये पूजन का विधान केवल उन्हीं भक्तों के लिए जिन भक्तों ने अपने घर में अपने महादेव को विराजमान करके रखा है। हम समय बहुत रूप से नहीं रहता है, तो संक्षिप्त विधान से मैं भगवान शिव का पूजन कर रहा हूं, क्योंकि भक्त शिव का वही है जो जब तक शिव के ऊपर अपने भाव अर्पित ना कर दे तब तक उसका मन नहीं मान। और जिंदगी होनी भी ऐसी चाहिए कि जब तक मैं शिव की पूजा ना कर लूं, जब तक शिव की सानिध्य को ना देख लूं, जब तक एक बार महादेव का दर्शन करके उनके ऊपर मैं जल काला तिल अर्पित ना कर दूं, तब तक मन को सुकून मन को चैन नहीं मिल। और शास्त्र कहता भी है, शिव के भक्ति की निशानी जानते हो क्या है? शास्त्र कहता है कि वरम प्राण परित्याग शिरसो वापि भेदनम नत्वा च व्यार्च भुंजाया भगवंतं त्रिलोचनम। शास्त्र कहते हैं कि शिव के भक्ति की परिस्थिति ऐसी होती है, भले कितनी भी विकराल से विकराल, कठिन से कठिन, जटिल से जटिल स्थितियां परिस्थितियां उपस्थित हो जावे, लेकिन चाहे प्राण गंवाने पड़ जाएं, चाहे शिरसो वापि भेदनम अपना शीश कटाना पड़ जाए, लेकिन मैं शिव के बिना नहीं जी सकता, शिव की पूजा के बिना नहीं जी सकता। जब तक मैं शिव का दर्शन ना कर लूं, जब तक वाणी से ओम नमो भगवते रुद्राय ना जप लूं, जब तक महादेव के सानिध्य में भले ही 2 मिनट ना बैठ जाऊं, तब तक इस आत्मा को चैन नहीं मिलता। इसलिए शिव भक्तों को चाहिए कि मैं सरल विधान से, सरल विधि से, केवल इन चार पद्धतियों से, आपने सरलतम पद्धतियां बता रहा हूं, केवल ये चार पद्धतियां अपना लो, आपका शिव पूजन पूरा हो जाए। करना क्या है आपने, आपने अपने नित्य की जो दैनिक पूजा है, जो आप रोज करते हैं, वो पूजा कर लीजिए। दीप दान करना, शंख वादन करना, नित्य का पूजन करना, भगवान का जो पूजन कर रहे वो कर लीजिए। उसके तत्पश्चात आपके पास एक पात्र हो, पात्र भले कांसे का पात्र हो, कांसे का पात्र ले लो, और कांसे के पात्र में आपके पास महादेव होने चाहिए। प्रयास करो कि 2 चीजें शिवलिंग के ऊपर हमेशा हो, एक जल की जलधारी वाली लोटी और दूसरा शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ 5 मुखी रुद्राक्ष। ये 2 चीजें आपने शिवलिंग के ऊपर हमेशा बना के रखनी चाहिए। जिनके घर में शिवलिंग है, याद रखो कि शिवलिंग का जो ऊपर का भाग होता है ना, ऊपर का भाग जिसके ऊपर पानी पड़ता है, लोटे का जल पड़ता है, उस ऊपर के भाग को आपने फूल से या काले तिल से हमेशा ढककर रखना है। इतना प्रयास आपने अपनी ओर से करने का करना है। अब उसके बाद आपने पूजन का विधान क्या लेना है। पूजन का सबसे सरलतम विधान है 4 पद्धतियां। पहला है स्नान, दूसरा है लेपन, तीसरा है अर्पण, चौथा है समर्पण। इन 4 पद्धतियों से आपने शिव का पूजन करना। बहुत संक्षिप्त है, बहुत सरल है, बहुत ही सरलतम भाव से आप ये पूजन कर सकते हो। तो पहला चीज क्या ही, पहला है स्नान। जल का लोटा ताजा भर के रख लो, तांबे का लोटा ले लो, तांबे के लोटे में काले तिल डाल दो। घर में छोटा सा शिवलिंग हो अच्छी बात है, उसके ऊपर आप जल चढ़ाना, अर्पण कर। मंत्र मुख में हो, ओम नमो भगवते रुद्राय। अर्पण, पहला कार्य क्या क्या, स्नान, जल से शुद्ध जल का स्नान कर लो, थोड़ा गंगा जल भी डाल लो।
काला तिल डाल के भगवान शिव पर एक लोटा जल आप अर्पण कर दीजिए। उसके बाद दूसरा आपने क्या करना चाहिए, लेपन। लेपन किसका, चंदन का अथवा भस्म का। आपके पास भस्म होनी चाहिए। शिव भक्त को बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि घर में भस्म रखो, क्योंकि भस्म भगवान शिव की प्रिय है। इसलिए आप हो तो अपने घर में भस्म बनाकर रखो, गाय के गोबर की भस्म बना लो और भस्म लो अपने हाथ में और शिवलिंग के ऊपर भस्म का लेपन कर दो। जिस दिन भस्म आपको नहीं मिलती, पीला चंदन आता है, सफेद चंदन आता है, भले बाबा पर चंदन का अर्पण कर, कुमकुम चंदन लेपित लिंगम। ये दूसरा काम करना। तीसरा काम, तत्क्षण आपने भोले बाबा पर अर्पण करना है। चार चीजें वैसे चढ़ानी चाहिए रोज। पहला है काला तिल, दूसरा है पुष्प, तीसरा है बेलपत्र, चौथा है शमी पत्र। अब इसमें यदि कुछ ना मिले तो काला तिल तो चढ़ाना ही चढ़ाना है। बाजार जाओ, साफ सुथरा दानादार काला तिल लेके आओ, उसको पहले धो लो। तिल को धोने के बाद सुखा लो और रोज एक मुट्ठी काला तिल आपने भोले बाबा पर चढ़ाना है। ये तो बस मन में बैठा लो कि कुछ चढ़े ना चढ़े, जल के साथ काला तिल मुझे चढ़ाना ही चढ़ाना है। दूसरा आपने चढ़ा लेना है बिल्व पत्र, बेल का पत्ता। आपके पास घर में बेल पत्र लगाइए, एक बेल पत्र तोड़ो, शिव जी पर चढ़ा दो। 5-6-10 दिन तक, आपको लगता है ज्यादा बड़ा बिल्व पत्र नहीं है तो एक पत्ते को आप 10 दिन तक भी चढ़ा सकते हो। दशाहनम बिल्व पत्रम च, 10 दिन तक बिल्व पत्र अर्पित होता है, बेल पत्र कभी बासी नहीं होता। नहीं है इतनी व्यवस्था भी रोज बेलपत्र चढ़ाने की, तो आजकल चांदी का बेलपत्र आता है बाजार में बना हुआ, वो चांदी का बेलपत्र ले। महाराज इतना सामर्थ्य भी नहीं है तो आपके घर में शमी का पत्ता है, शमी का पत्ता चढ़ा दो। महाराज इतना सामर्थ्य भी नहीं है तो आप दूर्वा चढ़ा दो, कोई भी हरी चीज, हरा पत्ता भगवान शिव पर चढ़ा दो। बस आपने इतना सा काम कर लेना। तो तीसरा है अर्पण, काला तिल जरूरी चढ़ा दो। चौथा है समर्पण। समर्पण का अर्थ है कि आपने जो कुछ भी चढ़ाया अब भोले बाबा को अर्पित करके थोड़ी देर, 1 मिनट हो आपके पास, 2 मिनट हो, शिवलिंग का दर्शन करो। इन आंखों को तृप्ति मिलती है शिव का दर्शन करने से, ये आत्मा तृप्त होती है शिव का दर्शन करने से। मैंने लोटा जल चढ़ा दिया, मैंने काला तिल चढ़ा दिया, भागो नहीं, केवल 1 मिनट लूंगा मैं आपका कि आप शिव जी का दर्शन करो। जड़ से लेकिन सिख तक भगवान शिव का दर्शन करो। कैसे लग रहे मेरे भोले बाबा, क्या रूप है उनका शिवलिंग में, शिवालय के रूप में भगवान शिव का सुंदर विग्रह शिवलिंग के रूप में मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर के लिए दर्शन करो, 1 मिनट भले ही सही। और 1 मिनट दर्शन करते ये चौथा पद ले लो, पद्धति ले लो, समर्पण कर दो और कहो भोले बाबा से आंखें बंद करके कि महादेव मैं अज्ञानी हूं, मैं दीनहीन हूं बाबा, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, मैंने अपनी मति से अपने विचारों से जो अच्छा लगा मैंने आपकी पूजा कर दी। आप तो सर्व सामर्थ्यवान है, मुझे कुछ करना विशेष नहीं आता, जैसा जैसा मुझे समझ में आता था बाबा मैं आपके लिए वो करता रहा। मुझे अज्ञानी की भूल को अज्ञानतावश भुला देना, बस मैं आपसे इतनी प्रार्थना। महादेव मेरा तो केवल एक ही सिद्धांत है, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मर भी जाऊं तो भी आपके अगले जन्म में पूजा मुझे मिलती रहे, ये महादेव से आपने प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना करके भगवान शिव के सामने ये श्लोक बोलना चाहिए कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि। महादेव मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं। महादेव को इस तरह से सुंदर स्तुति करके प्रणाम कर दो। उसके बाद कम से कम आधी प्रदक्षिणा तो भोले बाबा की कर ही देना और प्रदक्षिणा करके लेट कर साष्टांग प्रणाम करना। लेटने की जगह नहीं है, दंडवत करने की स्थान नहीं है तो घुटने टेक कर भगवान को प्रणाम कर और फिर एक बार और कह देना। ये मंत्र आप अपनी डायरी में नोट करके लिख और 4-5 दिन पढ़ोगे आपको ये मंत्र याद हो जाएगा। ये मेरे दिल के भाव हैं, आप तक पहुंचा रहा हूं, मैं भी बस यही सिद्धांत को लेता हूं। ज्यादा लंबी चौड़ी पूजा मैं भी नहीं कर पाता, लेकिन ये अंत में जरूर बोल देना, भोले बाबा मुझे आपकी पूजा से कुछ नहीं चाहिए, जो देना होगा वो आप अपनी खुशी से देना, लेकिन मुझे पता है कि आपके द्वार पर आने वाला कभी अभागा हो ही नहीं सकता,
रावण को सोने की लंका दे दी, रामचंद्र जी को रावण पर विजय दे दी, विष्णु भगवान को आपने सुदर्शन चक्र दे दिया, देवताओं के हितार्थ आप कैलाश में जाकर विराजमान हो गए और भक्तों के लिए आप मृत्यु लोक में आकर बैठ गए। अब क्या चाहिए मुझे आपसे, बस इतना ही दे देना। और ये पंक्ति को, ये श्लोक को आप नोट कर लो, लिख लेना श्लोक, और रोज कहना मेरे कहने पर, रोज कहना, अंतिम है ये कहना, शिवे भक्ति ही, शिवे भक्ति ही, शिवे भक्ति ही, शिवे शिवे, अन्यथा शरणम ना अस्ति, त्वमेव शरणम मम। शिवे भक्ति, मुझे शिव की भक्ति चाहिए, शिव की भक्ति चाहिए, शिव की भक्ति चाहिए, बस शिव की ही भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाबा अपनी शरण में इस दास को हमेशा बिठा कर रखना, बस इतना कहूँ। आंखों में शिव जी का जल लगाओ, हल्का सा जल पान करो, प्रणाम करो, बहुत जल्दी शाम को मिलूंगा, ये कहकर अपने काम पे निकल जाओ। शाम को जब लौटो, ऑफिस से लौटने के बाद बच्चों से मिलते हो ना, ऐसे भोले बाबा से भी मिल लेना, एक बार एक नजर देख लेना अपने भोले बाबा को, और सोने से पहले शिव का दर्शन करके फिर ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र कहते हुए सो जाओ। मुझे इतना भरोसा है इस पद्धति पर कि आप इतना भी कर लेंगे तो आपका सारा कार्य, सारी मनोरथ मेरे शिव की कृपा सदैव बने। अब आपके ऊपर छोड़ता, बस ये कार्य अब आपने अपनी ओर से निभाने, और कहते रहना मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, और जपते रहना ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।